हेलो एवरीवन। तो अभी हमने डिस्कस किया इंट्रिंसिक मसल्स को, अब हम फोकस करेंगे एक्सट्रिंसिक मसल्स को। अभी एक्सट्रिंसिक मसल का हमने बताया कि इनका जो लोकेशन होगी या तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म यानी वेंट्रल एस्पेक्ट, या पोस्टीरियर या डोर्सल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, इस सरफेस से होगी। यानी कहीं ना कहीं इन सारी मसल्स का ओरिजिन रिस्ट जॉइंट से पहले और फोर आर्म से होगा, ठीक है। और इनका इंसर्शन कहाँ होगा? कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस पर। लेकिन इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन रिस्ट जॉइंट से पहले है, आपकी फोर आर्म के एरिया में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव मसल। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम पढ़ते हैं फोर आर्म की मसल और फिर उनका रिलेशन देखेंगे इनके साथ। आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मसल्स ऑफ फोर आर्म। देखिए भाई, मसल्स ऑफ फोर आर्म को हम दो कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे, तभी याद रहेगा हमको। एक को हम बोल सकते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट और दूसरे को हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आप याद रख लीजिए कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 8 मसल्स होती हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 12 होती हैं। और सिंपल तरीका है याद रखने का, एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई होती है? मीडियन नर्व। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को होती है आपकी रेडियल नर्व। देखिए कितने आसान तरीके से आपको नर्व्स भी याद होती जा रही हैं, क्योंकि अगर वैसे याद देखो तो काफ़ी टफ लगता है कि कैसे याद होगा। अब ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, इनको हम फर्दर स्टडी के पर्पस से और सिंपल तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है सुपरफिशियल ग्रुप, और एक होता है डीप ग्रुप। यानी ये मसल्स सुपरफिशियली होंगी और ये उनके नीचे होंगी। सबसे ऊपर स्किन को हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले सुपरफिशियल मसल मिलेंगी और उसके बाद डीप मसल्स मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही आप इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी सुपरफिशियल मसल्स होंगी और डीप मसल्स होंगी, ठीक है। अब ये सुपरफिशियल मसल्स जो हैं, उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी मसल है। तो उसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि ये जितनी भी मसल्स होती हैं फोर आर्म की, मैक्सिमम रिस्ट जॉइंट पर मूवमेंट कराती हैं, मैक्सिमम। और उसके अलावा जो बाकी बची हुई हैं वो फिंगर्स पर, मेटाकार्पल्स पर मूवमेंट कराएंगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल ग्रुप में जो सब मेन मसल आती हैं उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें एक आती है फ्लेक्सर कार्पी अलनेरिस, फ्लेक्सर कार्पी अलनेरिस। दूसरी मसल जो आती है उसका नाम है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। थर्ड मसल जो इसमें आती है वो है प्रोनेटर टेरिस। फोर्थ मसल जो आती है दैट इज पाल्मेरिस लॉन्गस। यस, दैट इज पाल्मेरिस लॉन्गस। डीप ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो डीप ग्रुप में आती हैं आपकी, अच्छा 8 हो चुकी हैं। यहाँ पर एक और मसल होती है, उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ठीक है। अब याद क्या रखना है आपको,
कि ये पांच हैं, इसमें से ये जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इसको कुछ बुक्स मांगती हैं कि ये इंटरमीडिएट मसल है, मतलब सुपरफिशियल इसके नीचे, फिर इसकी ये और उसके नीचे ये। तो कुछ बुक्स जब आप पढ़ेंगे फॉरेन राइटर्स की, तो उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल को इंटरमीडिएट ग्रुप में माना जाता है, मतलब वो सुपरफिशियल का पार्ट नहीं है, किसका है, इंटरमीडिएट का। लेकिन जनरली आप कैसे याद कर सकते हो इसको बिना कन्फ्यूजन के, कि सुपरफिशियल में ही आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस ग्रुप की क्या है, कि ये सारे के सारे का ओरिजिन जो है ना, वो होता है मीडियल एपिकोंडाइल से। यानी सब के सब जो जितनी भी ये मसल्स हैं, इनका ओरिजिन होता है, कॉमन ओरिजिन है मीडियल एपिकोंडाइल। अगर मैं डीप ग्रुप की बात करूं, तो डीप में कितनी होंगी, पांच हो चुकी है, कितनी बची, तीन, एक दो तीन, बहुत आसानी से याद हो रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इस मसल का नाम क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये तीन मसल कौन सी हो गई, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक, अब देखो यहां पर देखिए, डिजिट यानी ये कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा हैंड पर, तो ये हैंड की एक्सट्रिंसिक मसल हो गई। फ्लेक्सर पॉलिसिस, पॉलिसिस माने थंब, तो ये कहाँ हो, किसको फ्लेक्सन में हेल्प करेगा, थंब के फ्लेक्सन में, तो ये कैसी मसल हो गई, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मसल। भाई हमने इंट्रिंसिक मसल सी तो पढ़ी थी, और एक्सट्रिंसिक मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, तो इस तरीके से हमको ये याद रखना पड़ता है। तो अब आपको आई होप समझ में आता जा रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरीके से इसको याद रखना है। तो मसल्स ऑफ फोर आर्म में ये आपने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ फोर आर्म में पॉस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो पॉस्टीरियर कंपार्टमेंट में अगर हम बात करते हैं, तो पॉस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी सुपरफिशियल ग्रुप है और उसके बाद एक डीप ग्रुप है। तो सुपरफिशियल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो इसमें टोटल सेवन हो गए और डीप ग्रुप में टोटल फाइव हो गए। और यहाँ क्या था, सुपरफिशियल ग्रुप में पांच थी और डीप में तीन थी। ठीक है, देखिए सिंपल, पाँच तीन सेवन फाइव। पहले आप ये डिजिट से याद करने की कोशिश करिए, तभी मैं कह रहा हूँ एक बड़ा सा चार्ट अपने रूम में बनाइए और इसको लगा के उसको याद करने की कोशिश करिए, दो तीन बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पोस्टियर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल मसल्स की। सुपरफिशियल मसल में जो टोटल मसल्स हैं वो सेवन हैं, जरा उनको पढ़ते हैं कौन कौन सी, बिल्कुल इसकी उल्टी है ये जो सब अभी हमने लिखे ना, देखिए अभी आपको याद हो जाएगा, ये फ्लेक्सर है, ये एक्सटेंसर है, क्योंकि आपको पता है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हैंड का ही है, तो ये कौन सा मूवमेंट है, एक्सटेंशन हो गया ना, और एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सा ही है, ये फ्लेक्सर हो गया, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल को फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को एक्सटेंसर्स भी बोलते हैं। अब सुपरफिशियल मसल्स की अगर मैं बात करूँ, तो सुपरफिशियल मसल में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आ जाती है आपकी एक्सटेंसर कार्पी। कार्पी का मतलब होता है रिस्ट, रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो रिस्ट पर जो मूवमेंट कराएगी उस मसल का नाम एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस। दूसरी मसल एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। नेक्स्ट मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस।
नेक्स्ट मसल का नाम एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमी। इसके अलावा एनकोनियस, एनकोनियस एनकोनियस के बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और लास्ट है ब्रैकियो रेडियलिस। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस लिखा और यहाँ पर इसको अलग क्यों लिखा, इसे साथ ही लिख देता तो याद करने में आसानी होती। नहीं, याद करने में आसानी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो चारों हैं, ये जो चारों मसल हैं, इनका ओरिजिन होता है आपका लेटरल एपिकोंडाइल से। कॉमन ओरिजिन है इनका। जैसे इन सब का ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल से है, पांचों की पांचों का ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डीप ग्रुप में जो सुपरफिशियल में से चार हैं उनका ओरिजिन तो लेटरल एपिकोंडाइल है और बाकी का ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से है, इसीलिए इसको अलग से लिखा था। तो कई बार पूछ लेता है लेटरल एपिकोंडाइल ग्रुप ऑफ मसल्स, तो ये इस तरीके से इसको याद करना है आपको, ठीक है। तो सुपरफिशियल में टोटल सेवन है और टोटल सेवन में चार का ओरिजिन कहाँ से होता है, लेटरल एपिकोंडाइल। क्योंकि देखिए, मैं हर एक टॉपिक की मसल्स का डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब जब डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम उसको कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि कुछ पॉइंट बड़े कॉमन होते हैं। तो जैसे मैंने पोस्टियर कंपार्टमेंट की मसल्स डाली हुई है अभी, और अभी एक दो दिन के अंदर मैं पूरे अपर लिम की मसल्स उसमें पोस्ट कर दूंगा आपको। तो पूरा अपर लिम मुश्किल से आप मान लीजिए कि 10 से 15 वीडियोस में पूरे अपर लिम की मसल्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा आपको ना तो फिर कोई बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई रेफरेंस बुक, ना कुछ। बस आप 4-5 बार वीडियोस देखते रहें, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद अब बात करते हैं डीप डीप मसल्स की। डीप मसल्स की अगर मैं बात करूं तो डीप मसल्स में पांच मसल्स हैं। डीप मसल में सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मसल होती है, उसका नाम होता है सुपिनेटर। सुपिनेटर एक्सेप्शनल है। ये क्या कराती है, ये हैंड पर सुपिनेशन प्रोनेशन, प्रोनेटर टेरिस थी ना ये, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर टेरिस, ये तीन मसल ये क्या काम कराएंगी, ये हमारे रेडियो और अल्ना का जो जॉइंट होता है, रेडियो अल्ना का जो जॉइंट होता है, ठीक है, उस पर सुपिनेशन प्रोनेशन ये वाला मूवमेंट कराने के लिए ये मसल्स काम आती है, प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड सुपिनेटर, ठीक है। अब ये जो सुपिनेटर है इसको छोड़कर, ये एक्सेप्शनल है, लिख दीजिए। एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि बाकी जिनके मैं नाम लिखने वाला हूँ दे ऑल वर्क ऑन थंब एंड इंडेक्स फिंगर। जैसे आपकी एक होती है एबडक्टर पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ थी, थिनार मसल में। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ थी, थिनार मसल में। देखिए ये एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस थिनार मसल में थी, लॉन्गस तो नहीं थी ना इसमें। तो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कैसी है, एक इंट्रिंसिक मसल है, जबकि एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस कैसी है, ये एक एक्सट्रिंसिक मसल है। तो ये इसको याद करने का तरीका ये था कि देखिए, यहाँ पर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में बांटने का तरीका ही यह था कि इसकी वजह से आप इसको समझ सकें कि बेसिकली इंट्रिंसिक क्या और एक्सट्रिंसिक क्या है। क्योंकि पढ़ने में सब कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पूछा जाए तो आसानी से गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जितनी भी मसल्स हैं इनकी दूसरी कॉपीज़ हैं, जहाँ ब्रेविस लिखा है या तो उसकी लॉन्गस, या जो लॉन्गस लिखा है उसकी ब्रेविस वाला पार्ट, वो आपको एक्सट्रिंसिक में मिलेगा, ठीक है। एक होगी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, पॉलिसिस माने थंब। इसके बाद एक हो गई एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, आपको याद होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ थी, ये भी आपके इंट्रिंसिक मसल्स में आती थी। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये भी यहाँ पर आ गया आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस,
ये भी आपका यहाँ पर आ गया। और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ थी? इंट्रिंसिक में। इसके अलावा एक्सटेंसर इंडिसेस, इंडेक्स फिंगर को मूव कराने वाली, एक्सटेंसर इंडिसेस। तो ये टोटल हो गई पांच। पांच में से ये जो चार हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए, दे ऑल वर्क ऑन हैंड, दे ऑल वर्क ऑन हैंड, स्पेशली थंब एंड इंडेक्स फिंगर, स्पेशली थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो इस तरीके से आई होप आपको पूरे मसल और फोर आर्म और हैंड याद हो रही होंगी। ठीक, इसके अलावा बाकी सब तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो मसल ऑफ फोर आर्म, मसल ऑफ हैंड में ही आती है। अब ये हो गए हमारे क्या कहते हैं, मसल्स ऑफ हैंड, मसल ऑफ फोर आर्म, इनका आपस में क्या रिलेशन है इस वीडियो में हमने ये समझ लिया है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को।